यार रखे पर सारे आत दे संजय दत्त बार गए ने शौक जट दे दो चार रखे पर सारे आत दे संजय दत्त बार गए ने शौक जट दे Are you listening? Damn. अभी नवरात्रे का वीक चल रहा है और दशहरा आने वाला है. आपको पता है नवरात्रे के दसवें दिन दशहरा मनाया जाता है. हर साल रावण लगते हैं, लेकिन पिछले दो साल से आया है कि बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब चल रही है. शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, परिस्थितियां. मैं मिला था, मेरे साथ मेरा एक भाई है. अरे आए हैं दिल्ली टैगोर गार्डन ततारपुर है, जो कि बहुत बड़ी रावण की मार्केट है. तो यहाँ पे चल के हम देखेंगे कि रावण लगा है या नहीं है. तो अभी मिलाता हूँ मेरे भाई से, प्यार से इसे सैवी बोलते हैं. हाँ सैवी भाई, इंट्रोडक्शन दे दो, पूरा नाम बता दो. मैंने सैवी बोल दिया तुम्हें. मेरा नाम है जसप्रीत सिंह और मैं आया हूँ आज. तो आज हम रावण देखने जा रहे हैं. अभी देखते हैं बनते हैं नहीं बन रहे वहाँ पर, बाकी हम देख के बताएंगे. हम दोनों ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल रावण लगेगा या नहीं लगेगा. पिछले दो साल से तो नहीं लग रहा है. इस बार कहीं से पता भी चला है कि बन रहे हैं बट लगने का पता नहीं. लगने का पता नहीं है. ठीक है, तो अभी चलते हैं ततारपुर मार्केट. चले चलो चलो लेट्स गो. अभी हम आ चुके हैं ततारपुर रावण मार्केट, जहाँ पे सारे रावण तैयार होते हैं. इस साल मुझे लगा था शायद रावण नहीं बन रहे होंगे, लेकिन बन रहे हैं. आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं रावण सारी कारीगरी चल रही है. और सैवी भी है मेरे साथ. तो सैवी भाई चलो फिर देखते हैं, थोड़ी जनता को दिखाते हैं, रेट वेट पूछते हैं. कैसे हो भैया? ठीक ठाक. क्या बना रहे हो ये रावण का, क्या बना रहे हो? धड़. अच्छा, और ये देख लो ये पेट यहाँ पे तैयार बना हुआ है. तो भैया एक बात बताओ, ये डिज़ाइन सारे अलग अलग होते हैं या क्या होता है? अलग अलग होते हैं. कितने फुट का होता है मिनिमम रावण, छोटे से छोटा? पाँच फुट का. पाँच फुट. कैसे हो भैया जी? ठीक है. गुस्से में लग रहे हो यार, थोड़ा सा स्माइल तो कर दो. हंसते हो तो है. बस 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 बस. ये देखो रावण का पेट जो है ये तैयार हो रहा है, इस पर कपड़ा बांधा जा रहा है, पेट ढका जाएगा, पेट दिखना नहीं चाहिए, है ना? सभी भाई कुछ बोलना चाहोगे? घाघरा बन रहा है, पेट नहीं है, घाघरा है ये. अच्छा ये घाघरा है क्या है भाई? अच्छा घाघरा है ये क्या? सॉरी यार, सॉरी, दिस इज माय बैड. तो ये घाघरा बन रहा है. और आपको आगे दिखाते हैं, कुछ रावण के मुंह तैयार बने हैं, बने बैठे हैं. आ जाओ भाई आ जाओ. तो ये कुछ मुंह इसके तैयार बैठे हैं, बने बैठे हैं, इसके ऊपर कलरिंग करेंगे. मेरे ख्याल से पेपर चिपका देना इसको. सैवी को पता है, सैवी ना अपने एरिया में छोटा रावण भी बनाता है ना. हम बनाते हैं. तो थोड़ा सा पेपर चढ़ेंगे अभी. हाँ, और उसके बाद इस पे जैसे दांत हो गए उसकी डिजाइनिंग हो जाएगी. अच्छा दांत वगैरह की डिजाइन. जो लाइटें वाइटें लगाते हैं आंखों के अंदर, वो कैसे लगाते हैं? वो बाद में लगाते हैं? वो तो जब बन जाता बिल्कुल कम्प्लीट हो जाता है वो फिर लगती है, क्योंकि हम आंखों के बीच में जब वो खड़ा हो जाता है ना रावण, तो हमेशा बम डालने के लिए एक बंदा ऊपर चढ़ता है. अच्छा बम बाद में. तो ये तो भैया मेरे से मुझे ये पूछना है आपसे कि जब रावण जैसे तैयार हो जाता है तो बम आप ही लोग डाल के देते हो या अपना पर्सनल डालना पड़ता है? अपना पर्सनल. अच्छा बम आपके तरफ से इंक्लूड नहीं होता है. चलो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, ये चीज़ मुझे पता चल गया. और हाँ यहाँ पे देख सकते हो घाघरा तैयार बैठा है, बना बैठा है, ये देख लो. और पीछे वो देखो मूवी कहाँ पे है, ये देखो ये घाघरा ही है. अच्छा ये सारे घाघरा है, ये रावण के अलग अलग हाथ पैर सब तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे. ये थोड़ा सा छोटा रावण है, इसका मूछ देख लो, मूछे हो तो नत्थू लाल रावण जैसी क्यों भाई वरना ना हो. तो अलग अलग टाइप के रावण है, आओ देखते हैं. कोई भी तैयार रावण होगा आपके पास? अभी तैयार कोई नहीं है. तो तैयार अभी हो रहे हैं सारे, ये देख लो. हाँ तो ये देख लो, ये सारे रावण के फेस है जो कि अभी रॉ है. अभी इस पर डिजाइनिंग नहीं, मतलब डिजाइन जो है रॉ तैयार कर दिया गया, इसके ऊपर डिजाइनिंग कलाकारी की जाएगी, लाइक पेंट वेंट किया जाएगा, कलर पेपर चढ़ेंगे. कलर पेपर चढ़ते हैं, सॉरी मैं बार बार पेंट क्यों बोल रहा हूँ. पेंट भी करते हैं क्या भाई? नहीं पेंट नहीं. पेंट करेंगे तो यार कागज का बना ऑब्वियसली, है ना. इसके मुंह देख के तुम्हें क्या क्या अंदाजा लग रहा है, कितने फुट तक का बन जाएगा ये? बन जाएगा 40-45-50 फुट तक का बन जाएगा ये. इसका मुंह देख के भैया ये कितने फुट तक का बन जाएगा ये वाला रावण? 45 फुट का. तो ये देख लो 45 फुट का. हाँ ये सैवी यार क्या बात है. सैवी को भाई नॉलेज है पूरी. और ये छोटा रावण है इसका, ये तो दिखा दिया हमने, लेकिन हाँ इस पर थोड़ा सा वाइट कलर से पेपर चढ़ा दिया है.
अभी अंदर चलते हैं, और भी है रावण इनके, देखते हैं क्या क्या है। अच्छा ये सारे मुकुट है, ये देख लो, ये सारे लाइन से मुकुट है, मुकुट है, दिखाते हैं अभी, ये जितने हैं ये सारे लाइन से मुकुट है। बाकी अभी मैं आपको इसके चार्जेस भी पूछ के बताऊंगा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल दिल्ली में रावण लगेंगे या नहीं लगेंगे। सारे मुकुट है, ये देख लो, ये जितने हैं सारे मुकुट है। ये क्या है भाई, ये पैर लग रहे हैं। अच्छा ये हाथ है, ये हाथ है और उधर वो पैर। अच्छा ये सारे हाथ पड़े हुए हैं रावण के, ये पैर है, पैर बहुत छोटे हैं यार, ये दो हिस्से में होते हैं क्या? पैर बहुत छोटे छोटे लगते हैं, रावण खड़ा हो जाता है ना बल्ली पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा ये रावण के सारे पैर हैं, ये देख लो बहुत सारे पैर हैं। आओ अंदर चलते हैं, पूरा अंदर तक दिखा दें लोगों को। ये छोटे रावण है ये। अच्छा ये क्या भाई, ये भी पैर ही है। हाँ तो इतने लंबे छोटे रावण के पैर है ये बड़े। अच्छा ये वो छोटे रावण, भाई मैं वही बोला था, इतने छोटे पैर तो होते नहीं। तो ये बड़े रावण के पैर है, ये देख लो, ये भी बहुत बड़े बड़े हैं। ओहो बच्चा रावण, इसका नाम रख देते नोनी रावण। नोनी रावण, ये देख लो नोनी रावण, ये नोनी है, मैं नोनी आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा उधर नोनी रोड पे था ना रावण ये रहा। अच्छा 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 नोनी रावण ये रहा, ये रहा नोनी रावण, ये देख लो, ये नोनी रावण। मतलब देखो एक अलग से खुशी होती है, पता नहीं दो साल से ना लग नहीं रहते, एक्साइटमेंट रहती है। बच्चे रावण बनाते हैं, अपने एरिया में लगाते हैं। ये होता था कि कुछ बड़े भैया लोग वगैरह भी होते हैं, देखो मैं भी भैया में ये कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा उम्र वाला नहीं मानता, तो मैं उनको भी भैया बोलता हूँ, जो मेरी उम्र के मैं उनको भी भैया बोलता हूँ। तो जो भैया लोग हैं चंदा इकट्ठा करते थे, वो रावण बनाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी दो साल से आपको पता है क्या हालात चल रहे, मैंने ये क्यों पहना हुआ यार यहाँ पे पार्क में, पार्क में नहीं पहनना चाहिए ना। तो हाँ वही मैं कह रहा था कि दो साल से क्या हालात चल रहे हैं आप सबको पता है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि हर जगह टीवी पे वही रन, सॉरी वही रोना चल रहा है, तो हम लोग वो सब बात नहीं करेंगे। चलो सामने है टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन, उसके बाहर ही आप देखोगे ये पार्क है, इसके सामने ही ततारपुर बोलते हैं इसे एक्चुअली में। तो ये पार्क है, इसके सामने ही आपको बाहर इसके रावण के डीलर वगैरह मिल जाएंगे जो कि लाइन से बैठे हुए हैं। हम भी उनसे अभी बात करने की कोशिश करेंगे और रेट वेट जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रेट वेट है, तो थोड़ा और देख लेते हैं क्या है ना। कोशिश करते हैं कि एक रावण को बनाने में भाई लोग को कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे तैयारी चल रही है। सॉरी भैया थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे हम आपको, बस मुझे ये आइडिया बता दो कि एक रावण को बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है। एक रावण नहीं बनता, हम लोग बनता तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी अगर एवरेज लगाया जाए टाइम एक रावण को है दो दिन में, और उसमें बड़े साइज छोटे साइज जो सा भी रावण हो तैयार हो जाएगा। तो एक रावण को एवरेज टाइम जो कि बता रहे हैं भैया दो दिन लगता है। और ये भैया यहाँ पे क्या हाथ तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं है? छाती सबसे लंबा जो है 100 फुट तक का रावण जाता है। और प्राइस वगैरह कौन बताएगा, आप बताओगे कि बाहर भैया जो बैठे वो बताएंगे है। कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ से रावण आपके? राजस्थान, महाराष्ट्र, बहुत जगह, हर जगह जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, ठीक है, कहीं से भी आपको लेना हो तो मैं आपका वो फ़ोन नंबर वगैरह इनसे लेके दे लूँगा, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। क्यों भाई, अलग अलग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और ये इस पे एक डिपार्टमेंट दे रखा है, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है। ये भैया ये क्या चढ़ा रहे हो? अच्छा ये कलर पेपर है। अरे ये गीला होकर चढ़ता है क्या? लेवी लगते हैं, लेवी क्या लगते हैं? लेवी, लेवी गम सा होता है, गम है ना, चिपक जाता है, गम सा होता है जिससे चिपक जाता है पूरा। यो चढ़ाता है, यो बताओगा कौन सा बताओगा भाई? क्या कर रहे हो भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? ये मैं थोड़ा रावण के लिए वो बना रहा हूं। ये गोंद है, आरा रोड है। हाँ ये, अच्छा ये आरा रोड है, ये खाने में भी डलता है मेरे ख्याल से। भाई ये आरा रोड है, ये इससे चिपकाते हो आप? आरा रोड से चिपकता है सारा? हाँ जी। तो ये रावण का जो मतलब पेपर वगैरह चिपकाते हैं वो आरा रोड से चिपकाते हैं ना, तो इसको गर्म करोगे जब जाके चिपकेगा।
ठीक है भैया, थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। अजय लव यू भैया जी, ठीक है, थैंक यू भाई। लेकिन मेरी कंफ्यूजन ना अभी तक दूर हुई नहीं कि दिल्ली में लगेगा कि नहीं रावण, क्योंकि मैंने पिछले साल का रावण दिखाया था, मतलब 2020 में 2019 का रावण। कैसे हो भैया जी, ठीक ठाक, क्या बना रहे हो? अच्छा ये हाथ हाथ बन रहे क्या? तो अभी ये भैया यहाँ पे अकेले में बैठे हो क्या भैया, लड़ाई वड़ाई होगी क्या उधर सबसे? अकेले में बैठे हुए आप? अच्छा थोड़ा काम ज़्यादा है। तो इस साल कैसा है रावण का काम वाम, ऑर्डर वर्डर आ रहे बाहर से? वही जो छोटे के ऑर्डर है। हाँ छोटे वाले के ऑर्डर। क्या कह रहे? छोटे बोतलों के ऑर्डर है। छोटे छोटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली में लगेंगे इस साल? लग रहे हैं, परमिशन आ गई है। चलो भैया बता रहे दिल्ली में लग रहे हैं, लेकिन बाकी गवर्नमेंट का और पुलिस वालों का मूड का पता नहीं होता कुछ, है ना, कभी भी ख़राब हो जाए। ठीक है थैंक यू भैया जी। इनके भी घर परिवार है यार, भाई साहब कोई देख रहा है यार, अब मार्केट वगैरह सब तो लग ही रहे हैं, रावण भी लगाने तो क्या दिक्कत है, है ना? एक दो दिन की बात होती है, एक दो दिन की बात होती है। अब जब सब कुछ खुला ही हुआ है तो रावण में क्या दिक्कत है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्यों भैया, चलो थैंक यू भैया जी। छोटे रावण की डिमांड है, हर छोटी गलियों। चलो भैया आप सबको थैंक यू यार, ठीक है थैंक यू। अभी बाहर जाके थोड़ा सा रेट वेट पता कर लेंगे, ठीक है थैंक यू भैया जी, थैंक यू, मेहनत करते रहो ऐसी, और भगवान करे धड़ाधड़ रावण बिके आपके। थैंक यू थैंक यू। नमस्कार भैया जी, मेरे साथ एक भैया जी है, क्या नाम है आपका भैया जी? मेरा नाम रवि है। रवि भैया, क्या स्टार्टिंग रेट है रावण का? और एक मिनट पहले, ये आपके नाम का ही है? ये मेरे पापा जी। ये क्या नाम है, वारो क्या लिखा है ये? नहीं, दासे, दासे रावण वाला। अच्छा दासे रावण वाला। और ये भैया का फ़ोन नंबर है 7678544670। तो अगर आप आना चाहते हैं, ये इनके फादर साहब हैं। तो क्या स्टार्टिंग होगी रावण की आपके पास, हाइट और साइज के हिसाब से सारे बता देना। हमारे यहाँ पे ना 5 फुट से लेकर 50 फुट तक के रावण बनते हैं। 5 फुट से 50 फुट? हाँ, और हाँ। जो जैसे कि 60 फुट 70 फुट ये ऑर्डर पे बनते हैं। 60 फुट 70 फुट वो ऑर्डर पे बनेंगे। हाँ जी, जैसे कि इनका ऑर्डर देना पड़ता है कम से कम महीना पहले। अभी तो फिर मुश्किल है, अभी तो है। तो नेक्स्ट ईयर से आप ध्यान रखना, अगर थोड़ा लंबा रावण बनाना हो तो एक महीना पहले ऑर्डर दे दे 60 फुट 70 फुट। और थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली देखो, नेगोशिएशन तो होता है, एक अप्रॉक्स आइडिया दे दो कि क्या होता है प्राइसिंग वगैरह का हिसाब किताब। भैया देखो, प्राइस ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिनको हम घर में रख लें। ऑब्वियसली हाँ, दशहरे के बाद। ठीक है भैया, वैसे तो ना माल इतना महंगा हो रहा है, उस हिसाब से पैसे हमें मिलते हैं। अच्छा माल तो रेट का भैया जी कंफर्म नहीं कर पाएंगे भैया। हाँ बस यही है भैया, जैसा ग्राहक बसता है छोटा मोटा वैसा हम दिखा। ठीक है, तो देखो वो डिपेंड करता है, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि जिसको शौक होता लगाने का, पैसे कम होते तो उस हिसाब से भैया कर देते, फिर भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का कुछ दे देते आइडिया की। मैं 5 फुट का बता देता हूँ, 5 फुट का आपको 1500-2000 रुपये तक में। 1500-2000 से स्टार्टिंग हो जाएगा, बाकी जहाँ तक रावण जाता है। तो इसमें पटाखे वगैरह इंक्लूड नहीं होते? नहीं, खाली हमारा पुतला होता है। पटाखे आप अपनी तरफ से 1,00,000 रुपये का लगा दो, चाहे आओ आप कितना भी लगाओ, तो पटाखे इनकी तरफ से इंक्लूड नहीं होता है। आपका क्या नाम है भैया जी, आप बहुत शांत बैठे हो? मैं इनका चेला हूं। है? इनका चेला हूं। अच्छा चेले हो, कैसे हो चेले जी? चेले नहीं है, सभी गुरु है यार आजकल, गुरु है भाई। अच्छा ये गुरु जी है, चलो ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? रवि जी। रवि जी थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये जितने रावण अंदर बन रहे हैं ये सारे आपके हैं कि यहाँ पे अलग अलग डीलर हैं? नहीं नहीं, हम तीन जने बैठे हैं, तीन जने हैं यहाँ पे, तो मतलब आपस में भाईबंदी है, भाईचारा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं दासे रावण वाला, ठीक है। फ़ोन नंबर ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये फ़ोन नंबर है। अगर नेक्स्ट ईयर से आपको लेना हो कहाँ पे? अच्छा हाँ, दूसरा नंबर ये रहा, तो नोट कर लो भाई। तो यहाँ पे एक और भैया जी है रावण के बैठे हुए हैं, अगर यहाँ से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नितिन ए बबलू रावण वाले, ये देख लो, ये मोबाइल नंबर है इनका। बाहर के भी ऑर्डर जाते हैं भैया? तो बाहर के भी ऑर्डर यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भैया जी बैठे हैं, ठीक ठाक हो भैया?
आपके पास अब तो मैंने 6 बनाए हैं बस इस साल, 6 बने हैं। अब इस साल लगेंगे दिल्ली में, लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं, मुझे तो बाहर के ऑर्डर हैं, दिल्ली से बाहर के। अच्छा कुछ कंफर्म नहीं है अभी कि दिल्ली के हैं के यार ये ऑर्डर है। अच्छा अच्छा दिल्ली में लगेंगे, छोटे लगेंगे बड़े लगेंगे तो पता नहीं, परमिशन आई नहीं क्या पता नहीं। तो भाई देखो यहाँ भी है रावण के, बहुत सारे हैं, मेट्रो के पास ही आपका छोटे ही बना रहे, बड़े का तो ऑर्डर नहीं है ना। अच्छा बड़े का ऑर्डर नहीं है, छोटे ही बन रहे, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, वी आर नॉट श्योर। लेफ्टी LEFT भाई। हाँ लेट सी लेफ्टी। हाँ लेट लेफ्टी को मैं कुछ और बोल रहा था। तो लेफ्टी रावण, राइट ही नहीं होता भैया कोई आपके पास? नहीं मैं लेफ्टी से हाथ करता हूँ। अच्छा अच्छा आप लेफ्टी हो, अरे भैया लेफ्ट से बना दे, ये अच्छी बात है, दिखाना भैया ये इस हाथों में कला है लेफ्टी। अच्छा आप लेफ्टी हो, बोली बहुत अच्छी डाल दूँ मैं। अच्छा अच्छा बैटिंग भैया लेफ्ट हैंडर है और लेफ्ट हैंड से ही रावण बनाते हैं। ये बल्लिया देखो सारी जा रही है रावण के लिए जा रही है। बाहर का ऑर्डर है बड़े रावण का। अच्छा गुड़गांव में लग सकते हैं रावण? गुड़गांव की पार्टी कल फोन आया था मेरे को, बात नहीं बनी पैसे से उनकी। अच्छा 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 सभी कंजूस हो रहे हैं। ठीक है लेफ्टी भैया, थैंक यू भाई। तो लेफ्टी भैया का नंबर ले लो अगर लेफ्ट हाथ का रावण चाहिए तो। क्या नंबर है लेफ्टी भैया? 93541 77 77 139 139। अगर लेफ्टी भैया से लेफ्ट हाथ का रावण लेना हो तो भैया का नंबर नोट कर लो। शुभ होता है लेफ्ट हैंड का रावण, कभी गिरा नहीं मेरा आज तक, आज तक रावण कभी गिरा नहीं है। शुभ होता है लेफ्ट हैंड का रावण, लेफ्टी भैया ने बोला। ठीक है लेफ्टी संजय जी, थैंक यू सो मच, बाय। और भाई छोटू तेरे क्या हाल है? इनका भी फोटो खींच लो। तो चैनल को क्या करना है अभी तक? सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दबानी है। हाँ घंटी बेल आइकन जरूर दबाना और ट्रैवल वीडियोस बहुत सारी अभी आते रहेंगी। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बाय करो, बाय 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 बाय। दो कौड़ी की नौकरी, अपने मन में जो भी आई वो करी, यही है जो है अपना, यही है जो है, सारे बोले भाई भाई।